स्टूडेंट्स, IIC पटरंगा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जमाल अहमद। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हिंदी के जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है। आज हमारा टॉपिक यही है कि हम कैसे क्रा, फ्रा, हरी, ट्रा, बड़ा, ऊ, इन शब्दों को, इन अक्षरों को कैसे लिखते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर, ये हिंदी टाइप कर रहे थे और ये अक्षर नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसे मैंने कोशिश की है कि इसमें कुछ ऐसे अक्षर जिन्हें बनाने में दिक्कत होती है उन्हें शामिल किया जाए। देखिए, ये सब मैंने रेड कर दिया है। एक बार मैं इन्हें पूरा पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को टाइप करता हूँ और आप जो है देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं वहाँ मेरी उंगली रुक जाती है, थोड़ा सा कई बटन्स दबते हैं तब बनता है वो। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हमें लिखना है क्रमांक संख्या 3 में, क्रमांक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखता रहे। क्रमांक संख्या 3 में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी का विवरण दिया गया है, कृपया उक्त विवरण को लखनऊ ऑफिस चांद वाली बिल्डिंग, ये मेरा बटन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आधा ला नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बिल्डिंग को प्रेषित करने का कष्ट करें, हम आपके हृदय से आभारी होंगे, हृदय से आभारी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने टाइप किया जब, तो उसमें जो है बीच बीच में मैंने रुक के कई कई बटन दबाए तब जाके एक एक अक्षर बने हैं। जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर किया है वो सारे कैरेक्टर्स को शॉर्टकट के थ्रू मैंने बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी शॉर्टकट है क्रा की। अगर हमें क्रा लिखना हो तो हम अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और अल्ट 0216 प्रेस करेंगे तो क्रा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें फ्रा बनाना है तो अल्ट 0221। ठीक है, ट्रा बनाना है तो पहले टा बना लेंगे और उसके बाद टा बनाने के बाद अल्ट 0170। ठीक है, ब्रैकेट बनाना है, लेफ्ट वाला ब्रैकेट बाईं तरफ अल्ट 0188 और दाईं तरफ का ब्रैकेट, बंद करने वाला ब्रैकेट अल्ट 0189। इसी तरह से फिर हमको जो है बड़ा ऊ बनाना है तो अल्ट 0197। चाँद चा लिखना है, ऊपर बिंदी लगानी है तो अल्ट 0161। हिरी बनाना है, हृदय लिखना है तो अल्ट 0226। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये शॉर्टकट्स हम यूज़ करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को बताने के बावजूद दोबारा फिर फ़ोन करते हैं कि सर, ये आपने जो बताया था वो शॉर्टकट हम दबा रहे हैं बट वो आ नहीं रहा है, अभी भी नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी दिक्कत तब होती है जब उनके नम लॉक ऑफ होते हैं, नम लॉक ऑन नहीं होते हैं। आइए चलिए मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा आपको। कीबोर्ड का जो ये हिस्सा होता है ये आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है। जब भी आप हिंदी में कोई शॉर्टकट में बटन दबाकर किसी कैरेक्टर को बनाना चाहें तो आपका नम लॉक ऑन होना चाहिए। ये जो नम लॉक का बटन दिख रहा है ये ऑन करेंगे आप तो लाइट जल जाएगी। अब आप जब शॉर्टकट को यूज़ करेंगे तो वो शॉर्टकट काम करेगी। अगर ये नम लॉक ऑफ है, यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो अब क्या होगा कि आपके शॉर्टकट आप प्रेस करेंगे तो वो अक्षर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये डबल फंक्शनल बटन होते हैं। अगर नम लॉक ऑन है तो नंबर काम करते हैं, नम लॉक ऑफ होता है तो ये एरो है, पेज अप है, पेज डाउन, होम, ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि नम लॉक को ऑन करने के बाद ही हिंदी के शॉर्टकट्स बटन, शॉर्टकट्स कैरेक्टर लाने के लिए बटन का यूज़ करें। और दूसरी प्रॉब्लम कभी कभी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसे मैंने उनको बताया कि भाई जो है आपको बड़ा ऊ बनाने के लिए अल्ट 0197 प्रेस करना है, तो वो कोशिश करते हैं कि अल्ट और 0197
यानी चार पांच बटन एक साथ दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि बड़ा हुआ आपको बनाना है तो बहुत आराम से पहले अल्ट बटन प्रेस कर लीजिए, उसको दबाए रखिए, छोड़िए नहीं उसको, प्रेस किए रखिए। जैसे मैंने अल्ट देखिए यहाँ पर प्रेस कर दिया है, दबाए रखा मैंने, अब मैं आराम से एक एक बटन दबाऊंगा इधर न्यूमेरिक कीपैड पर। अल्ट के बाद मैंने देखिए 0 1 9 7 और फिर अल्ट को अब छोड़ रहा हूँ, ये देखिए छोड़ दिया। इसी तरह से आपको जो है फ्रा बनाना है तो अल्ट मैं दबा रहा हूँ, देखिए अल्ट मैंने दबा दिया है, अल्ट 0 2 2 1 अब मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे बटन दबाने हैं। और दूसरी बात कि न्यूमेरिक कीपैड को ही प्रयोग करना है, और जो उधर ऊपर फंक्शन बटन के नीचे जो आते हैं 1 2 3 4 5 लाइन से नंबर आते हैं, उनको नहीं आपको प्रेस करना है, इधर वाले ही प्रेस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके अलावा भी कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं हमें, मैंने सारे कवर इसमें नहीं किए। तो अब देखिए उनको, अगर आपको और भी कैरेक्टर्स देखने हैं तो उसकी एक लिस्ट है मेरे पास, मैं वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, आप उस लिस्ट से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके उसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम उस लिस्ट पर, ये लिस्ट देखिए हमारे पास है, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख लें, और मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ आपको जहाँ पे जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम का है। तो देखिए इधर उसके उसके शॉर्टकट नंबर लिखे हुए हैं, उधर उस क्या बनेगा उससे ये लिखा हुआ है, तो आप वो रोक के नोट कर सकते हैं। अब आइए इधर चलते हैं, ये इधर वाले, ठीक है, 09 से इधर वाले, ये आप देखते जाइए, और जहाँ आपके काम का कोई कैरेक्टर मिले वीडियो को फ़ौरन रोकिए और उसको नोट कर लीजिए, और प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आपकी पूरी लिस्ट जिसमें लगभग सारे कैरेक्टर्स कवर हैं। ठीक है, आप इन कैरेक्टर्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और कमेंट्स लिखें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और वीडियोस अपलोड करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को जब भी बताएं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को नहीं देखा है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि गूगल में जाएं, यहाँ पर और IICE पटरंगा गूगल में लिखकर इस तरह से जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल मिलाकर और एंटर कर दें, तो हमारा चैनल फ़ौरन ये हाजिर हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करें और फ़ौरन यूट्यूब पे डायरेक्ट हो जाएंगे, उनको वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स IICE से मैं हूँ जमाल अहमद, आप आज की इस वीडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। ऐसे बटन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।